इज प्रोवाइडिंग ओरल केयर टू डिपेंडेंट पेशेंट, है ना। डिपेंडेंट में कौन आएगा, जो अपनी केयर खुद नहीं कर सकता है, या कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है, उसको कैसे ओरल केयर, ओरल हाइजीन उसकी कैसे मेंटेन करनी है। तो प्रोसीजर, द प्रोसीजर विद कॉटन बॉल सोक्ड सोडियम बाइकार्बोनेट इज शोड हेयर। ठीक है, तो दिस इज अ ट्रे फॉर ओरल केयर ऑफ अ डिपेंडेंट पेशेंट, और इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन सोक्ड कॉटन स्वैब्स का यूज करना है। प्रोसीजर, चेक क्लाइंट्स आइडेंटिफिकेशन एंड द कंडीशन ऑफ द क्लाइंट, है ना। पेशेंट की कंडीशन सबसे पहले देखनी है कि द पर्सन इज डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। अगर इंडिपेंडेंट है तो जो हमने लास्ट क्लास में जो केयर पढ़ी थी, दैट शुड बी प्रोवाइडेड। अगर डिपेंडेंट है तो दिस केयर शुड बी प्रोवाइडेड। डिपेंडेंट में क्या आएगा, पर्सन खुद ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर सकता, या तो पर्सन अनकॉन्शियस है। ठीक है, तो चेक पेशेंट आइडेंटिफिकेशन एंड कंडीशन, है ना। पेशेंट को पहले आइडेंटिफाई करना है, आफ्टर दैट द कंडीशन ऑफ द पेशेंट इज चेक। प्रोवाइड नर्सिंग केयर फॉर द करेक्ट क्लाइंट विद अप्रोप्रिएट वे। एक्सप्लेन द पर्पस एंड द प्रोसीजर टू द क्लाइंट। अगर कॉन्शियस है बट डिपेंडेंट है तो पेशेंट को एक्सप्लेन करना है, अगर अनकॉन्शियस है तो उसके जो अटेंडेंट होंगे उनको एक्सप्लेन करना है। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फोस्टर कॉपरेशन और द अंडरस्टैंडिंग, देन परफॉर्म हैंड हाइजीन एंड वियर डिस्पोजेबल ग्लव्स, देन प्रिपेयर ऑल द इक्विपमेंट विच वी हैव ऑलरेडी प्रीवियसली स्टडीड, कलेक्ट ऑल रिक्वायर्ड इक्विपमेंट एंड ब्रिंग द आर्टिकल टू द बेड साइड, एंड प्रिपेयर सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन इन अ गैलीपॉट, है ना। इसमें डिपेंडेंट जो पेशेंट है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन का यूज करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन सोक्ड कॉटन बॉल्स का यूज करते हैं। तो सोल्यूशन मस्ट बी, है ना, एक्शन के साथ साथ हर एक जो स्टेप है उसका रेशनल दिया है कि वो हमने क्यों करना है। तो सॉल्यूशन मस्ट बी प्रिपेयर्ड ईच टाइम बिफोर द यूज टू मैक्सिमाइज देयर एफिकेसी। देन नर्सिंग अलर्ट इफ द क्लाइंट इज अनकॉन्शियस यूज प्लेन टैप वाटर, ना। अगर पर्सन अनकॉन्शियस है तो प्लेन टैप वाटर का यूज करना है, अगर कॉन्शियस है तो सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन का यूज करना है। देन सोक द कॉटन बॉल इन सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन, दैट इज 3 पिंचेस 2/3 वाटर इन गैलीपॉट, है ना। जो फिर कॉटन बॉल बनाए होंगे दे शुड बी सोक्ड इन सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन, और देन स्क्वीज दैम विद द हेल्प ऑफ आर्टरी फोर्सेप। ठीक है, स्क्वीज द कॉटन बॉल एक्सेस सॉल्यूशन बाय आर्टरी फोर्सेप एंड डाइसेक्टिंग फोर्सेप एंड पुट इन टू द गैलीपॉट, है ना। मतलब जो भी कॉटन स्वैब होगा उसको होल्ड करना है आर्टरी फोर्सेप से, और थंब फोर्सेप की हेल्प से उसको स्क्वीज करना है, उसको निचोड़ना है। ठीक है, ताकि जो एक्सेस सोडियम बाइकार्बोनेट है दैट शुड बी डिस्कार्डेड। ठीक है, आफ्टर दैट जो भी सोक्ड स्क्वीज्ड कॉटन बॉल होंगे उनको सेपरेट बाउल में रखना है टू अवॉइड एस्पिरेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अगर कॉटन बॉल में सॉल्यूशन बहुत ज्यादा होगा तो पर्सन का एस्पिरेशन हो सकता है, वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में सॉल्यूशन जा सकता है। देन क्लोज द कर्टन और डोर ऑफ द रूम, देन पुट स्क्रीन, मेंटेन द प्राइवेसी ऑफ द क्लाइंट, कीप द क्लाइंट इन अ साइड लाइंग और इन कंफर्टेबल पोजिशन। अगर डिपेंडेंट पर्सन है बट वो खुद कोई पोजिशन बोल रहा है ना, तो वैसी पोजिशन प्रोवाइड करनी है। अगर नहीं पेशेंट अनकॉन्शियस है तो साइड लाइन पोजिशन इज ऑलवेज प्रोवाइडेड, है ना, क्योंकि साइड लाइन पोजिशन देंगे तो जो भी सिक्रीशंस होंगी वो साइड से डिस्कार्ड हो जाएंगी किडनी ट्रे में। अगर सुपाइन पोजिशन या कोई और पोजिशन देंगे तो पर्सन को रीगर्जिटेशन होने के चांसेस है, एस्पिरेशन होने के चांसेस है। देन प्रॉपर पोजिशनिंग प्रोवेंट बैक स्ट्रेन एंड टिल्टिंग ऑफ हेड डाउनवर्ड एनकरेज फ्लू टू ड्रेन आउट ऑफ द क्लाइंट माउथ एंड इट प्रिवेंट द एस्पिरेशन। हियर इट इज माउथ। ठीक है, तो अगर साइड लाइन पोजिशन दी होगी तो ड्रेनेज प्रॉपर होगी और एस्पिरेशन नहीं होगा। आफ्टर दैट प्लेस द मैकिंटोश टावल ऑन द नेक ऑफ द क्लाइंट चेस्ट, एंड द टावल एंड मैकिंटोश प्रोटेक्ट द क्लाइंट एंड बेड फ्रॉम सोकेज।
पुट द किडनी ट्रे ओवर द टावल एंड मैकिंटोश अंडर द चिन, है ना। अब साइड लाइंग पोजिशन अगर पेशेंट को दी है तो टावल जो रखा होगा उसके ऊपर किडनी ट्रे प्लेस करेंगे और द किडनी ट्रे शुड टच द पेशेंट चिन, देन इट फैसिलिटेट ड्रेनेज फ्रॉम द क्लाइंट माउथ। आफ्टर दैट इंस्पेक्ट ओरल कैविटी को इंस्पेक्ट करेंगे, इंस्पेक्ट होल द ओरल कैविटी सच एज टीथ गम्स म्यूकोसा टंग विद द एड ऑफ गॉस पैडी टंग द प्रेशर एंड द टॉर्च, है ना। या तो इसमें माउथ गैग का यूज कर सकते हैं, टंग डिप्रेशर का यूज करेंगे और टॉर्च का यूज करेंगे ताकि माउथ ओपन हो जाए और ओरल कैविटी को विजुअलाइज किया जा सके। देन टेक नोट्स इफ यू फाइंड एनी एबनॉर्मेलिटी, अगर कोई अल्सर स्वेलन रेडनेस ब्लीडिंग लगती है ना, तो दैट शुड बी नोटेड ऑन अ नोट पैड। देन सम क्लाइंट विद अनीमिया इम्यूनोसुप्रेशन डायबिटीज रीनल इम्पेयरमेंट एपिलेप्सी and taking steroids should be paid attention to oral condition, there may be complication in the oral cavity. Inspection हो गया oral cavity का, after that clean oral surfaces, कैसे clean करना है, ask the client to open the mouth, ठीक है। अगर conscious patient है तो उसको mouth open करने के लिए बोलेंगे and insert the padded tongue depressor gently into the angle of mouth toward the back molar teeth, है ना। उसके बाद टंग डिप्रेसर प्लेस करेंगे एंड यू नेवर यूज योर फिंगर टू ओपन द क्लाइंट माउथ, कभी भी फिंगर का यूज नहीं करना है, फिंगर बाइट कर सकता है पर्सन, है ना। द टंग डिप्रेसर असिस्ट इन कीपिंग द माउथ ओपन एंड एज अ रिफ्लेक्स मैकेनिज्म द क्लाइंट मे बाइट योर फिंगर। देन क्लीन द क्लाइंट टीथ फ्रॉम, कैसे क्लीन करना है, फ्रॉम इंसीजर टू मोलर, है ना, आगे से बैक साइड पे मोलर की साइड को जाना है, ठीक है। देन यूजिंग अप एंड डाउन, ठीक है, जो टीथ होगा उसको अपर साइड से गम से क्राउन की साइड को अप एंड डाउन क्लीन करना है, फ्रिक्शन क्लीन्सेस द टीथ, है ना। जैसे अप डाउन क्लीन करेंगे तो फ्रिक्शन होगा जिससे टीथ क्लीन हो जाएंगे। क्लीन ओरल कैविटी फ्रॉम प्रॉक्सिमल टू डिस्टल, नियर से फार की साइड जाना है, पहले प्रॉक्सिमल ओरल कैविटी क्लीन करनी है, टीथ क्लीन करने हैं, आफ्टर दैट द डिस्टल टीथ शुड बी क्लीन। आउटर टू इनर पार्ट, है ना, पहले आउटर क्लीन करना है फिर इनर साइड क्लीन करनी है टीथ की। यूजिंग कॉटन बॉल फॉर ईच स्ट्रोक, एक स्ट्रोक के लिए एक कॉटन बॉल का यूज करना है, फ्रिक्शन क्लीन इज द टीथ। आफ्टर दैट डिस्कार्ड यूज्ड कॉटन बॉल इनटू अ स्मॉल किडनी ट्रे, है ना, जो किडनी ट्रे प्लेस की होगी उसमें यूज्ड कॉटन बॉल डिस्कार्ड करने हैं टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, है ना। एक कॉटन बॉल एक स्ट्रोक के लिए यूज करना है। क्लीन टंग फ्रॉम इनर टू आउटर एस्पेक्ट, देन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कलेक्ट एंड ग्रो ऑन टंग सरफेस एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू बैड ब्रीथ, है ना। जैसे कि यहाँ इस फिगर में शो किया गया है, पेशेंट को साइड लाइन पोजिशन दी है, एक साइड में पेशेंट का फेस टर्न है, द किडनी ट्रे शुड बी प्लेस्ड नियर द चिन ऑफ द पेशेंट, है ना, एंड हियर द मैकिंटोश एंड टॉवल आर स्प्रेड। आफ्टर दैट क्लींसिंग टीथ विद सपोर्टिंग पैडी टंग डिप्रेशर, है ना, हियर द टीथ आर क्लीन्ड। आफ्टर दैट रिंस ओरल कैविटी, रिंस कैसे करेंगे, अगर पेशेंट डिपेंडेंट है बट कॉन्शियस है तो प्रोवाइड टैप वाटर टू गार्गल माउथ एंड पोजिशन किडनी ट्रे, है ना। तो पेशेंट को टैप वाटर प्रोवाइड करेंगे गार्गल करने के लिए, बट इफ द पेशेंट कैन नॉट गार्गल बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ, है ना, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है वो गार्गल नहीं कर सकता, तो रिंस द एरिया यूजिंग मॉइस्ट एंड कॉटन बॉल, ठीक है, जो मॉइस्ट एंड कॉटन बॉल होंगे उससे माउथ को क्लीन करेंगे एंड इंसर्ट द रबर टिप of irrigating syringe into the client mouth and rinse gently with the small amount of water, है ना। वैसे अगर unconscious patient है तो उसमें simple cotton ball से ही clean करना है, अगर उसमें water का use करेंगे तो patient को aspiration हो सकता है, तो solution that are forcefully irrigated may cause the aspiration, then assist to void the content into the kidney tray. Then if the client cannot spit up, especially in case of unconscious client, suction any solution. ठीक है, अगर unconscious patient है, rubber tip irrigating syringe से उसको clean कर रहे हैं, but patient
स्पिट आउट नहीं कर पाता है, देन सक्शनिंग शुड बी डन ताकि पेशेंट में एस्पिरेशन ना हो. एस्पिरेशन का मतलब होता है कि जो वाटर है दैट शुड डंट गो टू द रेस्पिरेटरी ट्रैक. देन कंफर्म द कंडीशन ऑफ क्लाइंट टीथ गम्स म्यूकोसा एंड टंग टू असेस द एफिकेसी ऑफ ओरल केयर एंड डिटरमाइन एनी एबनॉर्मेलिटी. देन वाइप माउथ एंड अराउंड इट, है ना, माउथ को क्लीन करना है, वाइप करना है टावल से, एंड अप्लाई लुब्रिकेंट ऑन द लिप्स बाय यूजिंग द स्वैब और द गॉज पीस या आर्टरी फोर्सेप्स. है ना, लुब्रिकेंट प्रिवेंट लिप्स फ्रॉम ड्राइंग और cracking. Then provide comfortable position to the client and it provide the client comfort or safety. Replace all equipment in proper place. Then to prepare equipment for the next care. Discard dirt properly and safely. And to maintain standard precaution, remove gloves and perform your hand hygiene to prevent the spread of infection. Document the care and sign on the record. है ना, जब भी कोई भी procedure खत्म होगा उसके बाद documentation जरूर करनी है. Documentation provide ongoing data collection and coordination of the care and report any finding to the senior. अगर कोई आपको जो भी फाइंडिंग आपकी है दैट शुड बी गिवन टू योर सीनियर स्टाफ, जो भी होगा उनको देनी है टू प्रोवाइड कंटिन्यूटी ऑफ केयर. तो ओरल केयर फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट में स्पेशल प्रिकॉशन क्या लेने हैं, द क्लाइंट शुड बी पोजिशनड ऑलवेज इन द लेटरल पोजिशन, है ना, विद द हेड टर्न टुवर्ड द साइड ताकि पर्सन को एस्पिरेशन ना हो. और सक्शन एपरेटस रिक्वायर्ड है इसमें. और टू यूज प्लेन वाटर फॉर क्लीनिंग ऑफ ओरल कैविटी ऑफ अनकॉन्शियस क्लाइंट में भी एडवाइजेबल. अगर बोला किसी ने बोला है कि ओरल कैविटी को प्लेन वाटर से क्लीन करना है तो तभी क्लीन करना है, अदरवाइज वेट कॉटन स्वैब से क्लीन करना है ताकि पर्सन में एस्पिरेशन ना हो, है ना, टू प्रिवेंट द एक्सीडेंटल एस्पिरेशन ऑफ द वाटर. ठीक है, वैसे वेट कॉटन स्वैब का यूज करना है ओरल कैविटी को क्लीन करने के लिए इन केस ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट. देन फ्रीक्वेंसी ऑफ केयर क्या है, ओरल केयर शुड बी परफॉर्म्ड एट लीस्ट एवरी 4 hours. 4 hourly केयर विल रिड्यूस द पोटेंशियल फॉर इन्फेक्शन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो दिस इज द ओरल केयर ऑफ द डिपेंडेंट पेशेंट. दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक.